भारतीय डाक विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया फॉर न्यू इंडिया इस विषय पर शकुंतला विद्यालय के ऑडिटोरियम में भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक सप्ताह मनाते हुए पत्र लेखन, चित्रकारी तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक सप्ताह मनाते हुए पूरे देश भर में विभिन्न प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में शकुंतला विद्यालय के सभागार में भी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते नजर आए। बच्चों ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पूछे गए सभी सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 20 छात्रों को पुरस्कृत किया गया। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में भी बच्चों ने कोरे कैनवास पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को उकेरा और उसे अपने सपनों के रंग देकर बखूबी सजाया। बच्चों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में बच्चों में काफी हर्ष देखा गया। इसके अलावा ढाई अक्षर प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों से स्टैंप डिजाइनिंग प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसमें छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। डाक विभाग की तरफ से आए हरीश कुमार महावर ने डाकघर की उपयोगिता, विशेषताएं एवं उसका महत्व बताते हुए कहा कि डाकघर कई प्रकार के कार्य करता है, जिसमें डाकघर सेवाओं का स्वरूप बहुआयामी हो गया है। हम लोग प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाते हैं। चूँकि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है, इसलिए डाक सप्ताह की शुरुआत उसी दिन से होती है। इस साल 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, 11 अक्टूबर को फिलैटली दिवस, 12 अक्टूबर को मेल दिवस और 13 अक्टूबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के दिन, जैसा कि इसका नाम है, हम लोग चाह रहे हैं कि हर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को निवेश के प्रति, बीमा के प्रति जागरूक करने का हमारा उद्देश्य रहा है। चूँकि डाकघर निवेश की अच्छी सुविधाएं देता है, बीमा की अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है, तो लोगों को मनी मैनेजमेंट और उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए हम डाक विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी भरपूर सहयोग देना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके और लोगों को इसकी समझ भी। आज फिलैटली दिवस है, तो फिलैटली के रूप में हमारे डाक विभाग में फिलैटली महत्व की बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डाक टिकटें निकलती है, फर डे कवर निकलता है, स्पेशल कवर्स निकलते हैं और फिलैटेलिस्ट हमारे डाक विभाग के माध्यम से अनेक फिलैटेलिस्ट लोग जुड़े हुए हैं, जो डाक टिकटों का संग्रह करते हैं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी जो छोटे बच्चे हैं, वो आगे चल के बड़े बच्चे जब वो लोग फिलैटेलिस्ट बनेंगे, तो उनमें इसकी रुचि विकसित करने के लिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे कि रुचि विकसित हो सके। उसी रुचि को विकसित करने के लिए हम लोगों ने स्टैम्प डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन रखा है, साथ में क्विज की प्रतियोगिता रखी है, साथ में डाक विभाग अलग अलग प्रकार से नेशनल लेवल पे भी ये कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसे एक ढाई अक्षर पत्र लेखन प्रतियोगिता है, जिसमें बड़े भी भाग ले सकते हैं, छोटे भी भाग ले सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना भी एक स्कीम होती है हमारे यहाँ, जो छोटे बच्चों को 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को 6,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति देती है। ये भी योजनाएँ चलाई जा रही है। साथ ही शकुंतला ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से डाक विभाग का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह कार्यक्रम हमें करीब एक हफ्ता पहले सूचित किया गया कि आपके विद्यालय में हम कार्यक्रम रखना चाहते हैं, और डाक विभाग के द्वारा प्रथम बार हमारे विद्यालय के लिए चुना गया इस आयोजन के लिए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारे भी दो स्कूलों ने, शकुंतला विद्यालय और शारदा विद्यालय रिसाली सेक्टर, दोनों स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और आपने जैसा देखा क्विज कंपटीशन में, ऐसा कोई भी क्विज नहीं था जिसका रिप्लाई वो ना दे सके, इसके लिए मैं डाक विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग हरीश कुमार महावर और उप अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग पूजा तिवारी के साथ शाला प्राचार्य विपिन ओझा तथा अन्य प्रभारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।